आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसके यहाँ पर बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ होगी और बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी स्टॉक का बिजनेस बढ़ता है उसी तरीके से उसका प्राइस भी बढ़ते नजर आएगा। कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी, उसी तरीके से आपको मार्केट में उसके शेयर के प्राइस में भी परफॉर्मेंस दिखेगा। हम यहाँ पर बात करें अंबर यहाँ पर इंटरप्राइजेस के बारे में, जो यहाँ पर एयर कंडीशन से रिलेटेड बढ़िया बिजनेस करती है और कमाई में भी शानदार नजर आती है। इस कंपनी को लिस्टिंग होकर आपको बताना चाहूँगा, मात्र यहाँ पर 3 साल हुए और स्टॉक ने 300% के ऊपर का रिटर्न दिया है। बोले तो 3 गुना पैसे इन्वेस्टर के बना दिए हैं। आप 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल के बाद आपको 300 रुपये 100 रुपये छोड़कर मिल चुके हैं। इतना शानदार इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो एक्चुअल आपको बताना चाहूँगा, आगे भी इससे भी शानदार परफॉर्मेंस इस स्टॉक का रहेगा। अब ऐसा क्या होगा कंपनी में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एसी जो यहाँ पर एयर कंडीशनर है उसका जो बिजनेस रहेगा उसमें आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो भी किस डिजिट में, तो देख लेना, डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बेटर रहेगा दोस्तों कि आप ऐसे स्टॉक में रहिए जो यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ओल्टास, यहाँ पर हम बात करें अंबर एंटरप्राइजेस की, आप सभी जानते हैं जो एयर कंडीशन के रिलेटेड बिजनेस करती है, इन कंपनी में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए क्योंकि इनके बिजनेस में भी यहाँ पर बढ़िया सी ग्रोथ भी हो रही है और शानदार स्टॉक परफॉर्म भी करके दिखा रहे हैं। मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में जो मुझे बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ें नज़र आती है इस कंपनी में। खास कर परफॉर्मेंस के मामले में इसमें FIIs का स्टेक बढ़ते नज़र आ रहा है और आपको बताना चाहूँगा कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो अच्छी खासी नज़र आती है और यहाँ पर कर्जे का कोई उतना ज़्यादा बर्डन भी नज़र नहीं आता है। कंपनी पर राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 294 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। मार्केट कैप देखेंगे 11,514 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ऑल अराउंड ये चीज़ें देखने के बाद एक आपको बात समझ में आ जाएगी कि कंपनी के जो फंडामेंटल की बात समझे हम तो कंपनी ख़राब नहीं है। और मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट में आप देखिए आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नज़र आती है। मार्च 2019 मार्च 2020 ईयरली बेसिस पर कंपेयर करें तो कंपनी की सेल्स देखिए 44% से अबो ग्रो हो रही है। यहाँ पर हम और भी देखें नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी 69% से इम्प्रूवमेंट ला रही है। यहाँ पर ये पता चलता है कि कंपनी जो अपना एयर कंडीशन कूलिंग से रिलेटेड बिजनेस है उसमें यहाँ पर कंपनी इंडिया में 2nd नंबर पर आती है, इसको भी समझना। और इसी का नतीजा कंपनी में परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के असेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिक्स असेट देखेंगे वो बढ़ते नजर आ रही है 35% से, और करंट असेट की बात करें वो यहाँ पर 17% से आपको बढ़ते नजर आएगी। और जो फिगर दिख रहे हैं सभी के सभी इन करोड़ में है, आप इसको भी रिमेंबर करते रहना। अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात बताना चाहूँगा। इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत से बड़े इन्वेस्टर नजर आएंगे, जैसे कि फॉरेन निवेशक, उनके पास 21% का स्टेक है और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद इसमें उन्होंने 2.5% के ऊपर का स्टेक इंक्रीज भी किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास भी आपको यहाँ पर करीब 8% का स्टेक देखने को मिलेगा, बट उन्होंने 1% का स्टेक कम किया है। तो ऐसा मत समझना कि 1% कम हुआ है बोल तो कंपनी क्वालिटी खत्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं 8% का स्टेक म्यूचुअल फंड ने खुद के पास जरूर रखा है। यहाँ पर हम DIS की बात करें तो DIS ने भी 0.1% का स्टेक लेने की कोशिश की है इसमें फ्रेश बाइंग, और पब्लिक का 23% का स्टेक नज़र आएगा। यहाँ पर हम कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो इसमें खरीदारी भी और विकवाली भी आपको होते हुए दिखेगी, बट यहाँ पर एक बात याद रखना कि कंपनी लिस्टेड हुई 3 सालों पहले तो इसके जो नंबर ऑफ शेयर है वो थोड़े कम है, जैसे कि इंडिया मार्ट की तरह। जैसे जैसे इसके स्टॉक में खरीदारी होती रहेगी वैसे वैसे स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र भी आएगा आपको। यहाँ पर जो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रहने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और स्टॉक में ग्रोथ नज़र आ जाती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर रिमेंबर करना कि स्टॉक आपको भले ही यहाँ पर अभी फिलहाल के लेवल पर दिखता होगा 200-300 रुपये सस्ता, बट यहाँ पर आप गिरावट के बाद ही इसमें खरीदारी करने की कोशिश करना। अब तो गिरावट होगी भी नहीं क्योंकि इसमें यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो इस वजह से स्टॉक आपको ज़्यादातर दौड़ते हुए दिखेगा। ये कंपनी एयर कंडीशन रिलेटेड बिजनेस में देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑल यहाँ पर तरीके के देख सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े यहाँ पर हम पूरे के पूरे यहाँ पर कोई हॉल यहाँ पर हम देखें, जितने भी आप देखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जितने भी बड़ी यहाँ पर एयर कंडीशन मांगेंगे वो सभी के सभी प्रोवाइड करने में कंपनी नज़र आती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ओल्टास के बाद में कंपनी अंबर एंटरप्राइजेस आती है, बाद में ब्लू स्टार आ जाती है, ये सभी के सभी कंपनी के बाद में यहाँ पर रैंक लगते हैं, बट 2nd नंबर पर अंबर एंटरप्राइजेस आते हुए नजर आएगी। और कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेना आप, 6 महीने में कंपनी ने 1340 रुपये पर शेयर पर कमा दिए इन्वेस्टर को। और यहाँ पर इसका जो चार्ट पैटर्न की ग्रोथ नज़र आती है इस पर से समझ में आता है कि कंपनी कितनी क्वालिटी वाली है।
यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए। कंपनी कब यहाँ पर लिस्ट हुई थी, 2018 में। 2018 में लिस्ट होकर कंपनी ने परफॉर्मेंस में कोई कमी रखी क्या? 1200 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज देखिए कितना है, 3400 पर। और कंपनी क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पर ही पता चलता है, बाद में कोई चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसकी गिरावट भी देखें ना, यहाँ पर आपको COVID-19 के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल थी। और कंपनी कितने अभी भी टॉप लेवल पर है, तो ये खास जो कंपनी होती है इसी की निशानी समझ में आ जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रुपीज़ में देखेंगे तो आपको पर शेयर पर कंपनी ने यहाँ पर 2018 से लेकर 2021 जो अभी चल रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कितना, तो आपको 2100 रुपये के ऊपर का कंपनी रिटर्न पर शेयर पर कमा के दिया है। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी है बोलकर। आई होप आप यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेस के रेटर समझ चुके होंगे, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं और जिनको खरीदना है वो यहाँ पर गिरावट में खरीद सकते हैं, बट लार्ज डिसीजन आपका रहेगा, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।